चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, या पिछला एक साल जो पूरे देश ने देखा है, महसूस किया है, उससे बाहर निकलने का और उससे आगे बढ़ने की दिशा में एक सपना बेचने का चुनाव? सपना बेचा नहीं जाता, जो बातें रखी जाती हैं, जो स्वप्न दिखाए जाते हैं, उस स्वप्न को पूरा करना यह राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा होगा केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था, हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती, वे ही सब सारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाले जाने चाहिए जिन पर हम अमल कर सकें, इसे हम पूरा कर सकें, ये हम लोगों ने सावधानी बरती है। इतना ही नहीं बल्कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, उस समय जो हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी हमने सरकार बनने के बाद, यानी संसद में क्लियर मेजॉरिटी पूरी होने पाने के बाद, हम लोगों ने उसे पूरा किया। असम में जो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात की जा रही है, जो स्थानीय नेता भाषण दे रहे हैं जाके, वो कह रहे हैं असमिया संस्कृति बनाम मिया कल्चर। क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के एक साथ आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा? देखिये, AUDF का जहां तक सवाल है, यही AUDF ने समाज को बांट कर बराबर जो है राजनीति की है। हमारा यह मानना है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो कि जाति पंथ मजहब के आधार पर राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करती हैं, उनके साथ गठबंधन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहना असमिया संस्कृति वर्सेज मिया संस्कृति, क्या ये आपको अल्पसंख्यक वोट से पूरी तरह काट नहीं देगा? नहीं, मैं देखिए, समाज का कोई भी वर्ग हो, हम किसी भी वर्ग से कोई नफरत नहीं करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जो भी भारत का नागरिक है, वह चाहे किसी भी जाति पंथ और मजहब का क्यों न हो, हमको, हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं। हम कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते। असम में आपकी दो रैलियां, बंगाल में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपने सौरभ का सिक्सर भी याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला हो बे या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जोर से छाप और अब की बार TMC साफ। देखिए, खेला हो बे, एक खेला हो बे तो तोलाबाजी का खेला ना हो बे, कटमनी का खेला ना हो बे, भ्रष्टाचार का खेला ना हो बे, खेला हो बे तो विकास का खेला हो बे, अशांति का खेला हो बे पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इस बार नाक का सवाल बना लिया क्या बंगाल को? नाक का सवाल बना लिया? नहीं, नाक का सवाल बनाने का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव जैसे सभी चुनाव लड़ते हैं वैसे हम बंगाल का भी चुनाव लड़ते हैं। इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंगाल को लेकर बीजेपी? जन सामान्य में जैसा माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में जो एक विश्वास और भरोसा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी जिस प्रकार का विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है, और जो हम लोगों की सार्वजनिक सभाओं में जन सामान्य के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है।